उतने दिन तक तो मैं बस सिर्फ आप लोग का ही बात मानता रहा, कभी मन की कहा मैंने। और आज जब मैं अपने मन की करने चला हूं तो रोकने आ गया सब लोग मुझे। पता नहीं क्यों सब मुझे ही क्यों रोकना चाहते हैं। मैंने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तू ये मत कर, तू ये मत कर। तो फिर मुझे क्यों रोका जाता है? और एक को देखकर सब लोग मुझे रोकने लगते हैं, क्यों? आखिर कब तक मैं ये बर्दाश्त करता रहूंगा? मेरा रिस्पेक्टेड जॉब है ये सोचकर मैं सारे अन्याय सहता रहूं, ये कहां की बात हुई? कहां का अन्याय है ये? यही वजह है कि आज कई सारे रिस्पेक्टेड जॉब को लात मारकर कई लोगों ने छोड़ दिया है उस जॉब को। और जब घुसे ऐसे जॉब में घुसे कि फिर बोलने की लोगों को हिम्मत तक नहीं हुई। क्या आप भी वही चाहते हैं? अरे पत्थर को भी हजार बार चोटें लगाई जाए ना तो वो पत्थर भी टूट जाता है। फिर तो मैं इंसान हूं, तो फिर क्यों मुझे तोड़ने पर तुले हैं आप सब? बताइए, कभी आप पर बीती नहीं होगी इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। कौन सा ऐसा प्रोफेशन, कौन सा ऐसा सेगमेंट, कौन सा ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिसमें मैंने हाथ डाला हो और लोगों ने उसमें बाधाएं न तैयार की हो? हर प्रोफेशन में, हर सेक्टर में लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मेरे अपनों तक ने मुझे रोकने की कोशिश की और आज तक रोकते हैं। क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? आप खुद बताइए, क्या बिगाड़ा है? बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे ये पूछता हूं, बताइए। बोलना तो नहीं चाहता हूं ज्यादा, यही वजह है कि मैं अकेला रहता हूं, मेरा किसी से कोई तालमेल नहीं है। और आप लोग सब समझते हैं कि मैं गलत हूं, संकी हूं, पागल हूं, तो ठीक है, हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूं कि दुनिया से अकेला ही लड़ना पड़ता है, तो मैं तैयार हूं, मैं अकेला ही लड़ूंगा। मैं भले ही अल्पायु रहूं उससे मुझे कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जीऊंगा तो अपनी शर्तों पर, मरूंगा तो अपनी ही शर्तों पर। अरे सर्कस के शेर से अच्छा है मैं जंगल का शेर रहूं। अरे किसी दिन खाना नहीं भी मिलेगा तो तसल्ली रहेगी कि कोई बात नहीं, कल खाना खा लूंगा। मगर सर्कस का शेर बनना मुझे कतई मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं।